एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत पे आक्रमण की बात कोई भी भूल जाए, भारत पे आक्रमण करेगा। जहाँ तक चाइना के सामानों की बात है तो एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि अपने देश में निर्मित सामान अधिक से अधिक हम सब लोग यूज करें। इसके लिए हम सब लोग जन जागरण में भी लगे हुए हैं, समाज भी इस पे जागृत हो और अपने देश के बने हुए सामान के प्रति अपना खूब प्रेम प्रबल रूप से दिखेगा तो अपना देश और भी संपन्न होगा, समृद्ध होगा। अन्य देश जिसकी कुदृष्टि हमारे ऊपर लगी हुई है उनको भी इस माध्यम से मुंहतोड़ जवाब। ऐसे में हम सबसे ज्यादा अभी जो प्रयोग कर रहे हैं डिजिटल इंडिया को लेकर के, हम अभी पेटीएम का प्रयोग कर रहे हैं, इस विषय पे क्या कहेंगे आप? अब कुछ चीजें हैं जिसपे अभी बहुत से काम करने को बाकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के हर ऐसे मोर्चे जिसपे हम कमजोर थे उस पर काम करके आगे मजबूती लाएंगे और धीरे धीरे ऐसे जो अभी क्यूट इंडिया का अभियान चल रहा, हम लोगों को ये पूरा उम्मीद है कि 2022 तक भारत पूर्ण रूप से